बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो नदाए किसान टीवी पर एक नए अंदाज से और नए टॉपिक के साथ आपकी हाजिरी की खिदमत है। नाज़रीन, लाइफ स्टॉक बहुत बड़ा सेक्टर है और हमारा जो प्रोग्राम है और हमारा जो अंदाज है और हमारी ख्वाहिश है वो ये है कि अपने फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कम से कम करें। आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है शेड बनाना। डॉक्टर मसूद परवेज साहब किसी तरफ के मोहताज नहीं हैं, वो नए आइडियाज़ देते हैं और उन पर अमल भी करते हैं। इसी आइडियाज़ के तहत उन्होंने एक नए फार्म जो शेड बनाए हैं, फार्मर फ्रेंडली और एटमॉस्फेयर फ्रेंडली और इकोनॉमिकल फ्रेंडली, इसको जो भी नाम देंगे आप यकीनन आप उसको सूट करता होगा। आज उस पर बात करेंगे, आज वो आपको वो डिज़ाइन भी दिखाएंगे, डॉक्टर साहब से बातें भी करेंगे इंशाल्लाह, और आप यकीनन महसूस करेंगे कि वाकईतन डॉक्टर मसूद परवेज साहब बातें ठीक करते हैं। लेकिन आपने भी एक वादा करना है, आपने इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और दूसरे दोस्तों को ये हर में पहचाना है, ये आपका अखलाकी फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब मुबारक हो, आपने जो अमली इकदाम उठाए थे आज वो फार्मर अपनी आंखों से देख रहे हैं और जो लोग कहते थे कि ये नाकाबिले यकीन है और नाकाबिले अमल है और ये डॉक्टर किन कामों पे लगा हुआ है, आज जरा उस फ्रेंडली जो आपने शहर बनाए हैं फार्मर फ्रेंडली, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली, तो वो जरा उसकी तफसीलात बताइए कि ये देख रहे हैं ये उसकी जो पिक्चर्स नज़र आ रही हैं इस पर सारी चीज़ें, ये जरा बताइए जरा मेरे किसानों को जरा बरहस वो अपनी आँखों से देखें भी और यकीन भी करें। देखें, ये शेड का स्टार्ट हुआ था अफ्रीका से, ठीक है, सबसे पहले मैंने ये शेड अफ्रीका की कंट्रीज में बनाए थे, ठीक है, तो एक्सपीरियंस तो मेरा पहले से था, डेट्स वाई कि मैंने इसका नाम जो है वो दोनी अफ्रीका शेड रखा हुआ है, ठीक है, कि इसकी बैकग्राउंड अफ्रीका से आई है, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे जब मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो लोग, आपको पता है कि यहाँ पे पेड़ चाल चलती है और पहले नहीं देखे हुए थे, ठीक है, इसलिए लोग थोड़ा सा रेजिस्ट भी कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुख्तलिफ शहरों में एक एक शेड मौजूद है और जो लोग वहां जाके देखते हैं वो दोबारा देखें। अभी ये जो अभी जो नजर आ रहे हैं सामने आपको नजर आ रहे हैं हमारे देख रहे हैं कि कितनी हाइट पर है, इनकी सेंटर से हाइट 14 फीट है, अच्छा, और साइडों से ये 7 फीट है, 7 फीट है। और इसको फ्रेंडली कैसे कहते हैं आप, इसको फ्रेंडली नाम क्यों दिया था आपने? वो इसलिए कि इसमें गर्मी जो है बाहर, हमारे यहाँ तो ट्रॉपिकल रीजन में ना, ठीक है, तो जो हीट है वो अंदर नहीं जाती, ठीक, और अंदर से जो गर्माइश अगर है सर्दियों में वो बाहर नहीं जाती, यानी ना ठंड अंदर बाहर से आ सकती है ना गर्मी बाहर से अंदर आ सकती है, तो इन्वायरमेंट से बहुत क्लोज है। और दूसरा ये है कि इसमें जितने भी मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं डेट इज सेलुलोज बेस्ड, जो एक अच्छा इंसुलेटर है, नेचुरल इंसुलेटर है, तो जाहिर है हम क्योंकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो इसमें, अच्छा, ये तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया, ये फार्मर फ्रेंडली और मॉइस्चर फ्रेंडली, यानी कि वो कैसे है जरा बताइए कि फार्मर की जेब से कम रकम बाहर जाए और ज्यादा से ज्यादा वो कैसे बता सकते हैं जरा? देखिये, पहले जितने शेड बन रहे थे ना वो या तो लोहार बना रहे थे या ठेकेदार बना रहे थे, ठीक है, अब ना लोहार को पता था कि गाय का टेम्परेचर कितना है, वो कितनी जगह चाहिए, कितनी ऊंचाई चाहिए, कैसे हवा जाएगी, वो सिंपली कंक्रीट की बनी बनाई छतें लेके आते थे और शेड बना लेते थे, और उससे ये हुआ कि हमारे जानवर कंफर्टेबल नहीं होते थे और गर्मियों में प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती थी। तो इसी तरीके से जो मॉडर्न लोहार थे जो थोड़े से डेवलप हो गए, उन्होंने टीन की छत बना दी, ठीक है, और टीन की छत बनाने से टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप हो गया और हम फ्रीजियन लेके आते थे और खूबसूरत शेड बना के टीन के उसमें रख छोड़ते थे, जो 7-8 डिग्री जब आप करती थी टेम्परेचर को तो उनपे और ज्यादा स्ट्रेस आता था, तो जरूरत इस बात की थी कि कोई टेक्निकल बंदा इसमें आए, तो मैंने आके फिर इसको स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन हर शहर में एक शेड मौजूद है और वो उसको विजिट। इसकी जरा स्ट्रक्चर बताइए कि इसकी छत पे कितनी मोटी होती है, उसकी छत में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, जरा फार्मर को जरा पता लगे कि जो पुराना लोहार और जदीद लोहार में पढ़े लिखे में क्या फर्क है, उन्होंने क्या अंदाजा तैयार किया है? देखें, इसमें तकरीबन कोई 7 किस्म की मटेरियल है इसमें, ठीक है ना, एक तो लोहे के राड है जो वजन बर्दाश्त करते हैं, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तकरीबन 12 गेज की वो मोटे पाइप है, ये जो पाइप नजर आ रहे हैं ये गोल से, हाँ, ये कितने गेज के हैं? ये 12 से 14 गेज के हम लगाते अच्छा, हैं। ये पाइप जो हमने जो कर्व लिया हुआ ये जो नजर आ रहा है ये 12 गेज का है, हाँ, इसके ऊपर फिर बैम्बूज आते हैं, ठीक है, बैम्बूज को हम उसके साथ हमने खुद डिवेलप किए हैं कुछ लॉकर्स
कि जो बैम्बू के साथ हम स्टिच करके उसको कर दे तो वो लॉक हो जाते हैं और खुलते नहीं है फिर है। फिर आप काटेंगे किसी चीज से तो खुलेंगे, अदरवाइज वो लूज होने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद जो है हम इस पे ये सिरकी डालते हैं ताकि ये बहुत बेस्ट इंसुलेटर है, ये डालते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हम डब डालते हैं। डब की ये खासियत है कि उसके ये जरा आम फार्मर को या आम लोगों को, शहर के लोगों को डब का नहीं पता था। डब बताइए, डब है क्या, किस बला का नाम है? ये पानी के अंदर पैदा होता है ये पौधा, और इसमें अल्लाह ताला ने खासियत ये रखी है कि इसको ना तो दीमक लगती है ना ये खराब होता है, और इसके पत्तों के अंदर अल्लाह ताला ने हवा रखी हुई है। जरा मेरे नाजरीन की समझने में आसानी हो जाएगी शहर के लोगों को कि वो डब आम इस्तेमाल में भी नहीं आती, किसी जरूरत बता ये दे। जो आपकी सफे बनती हैं, अच्छा मसाले में जो सफे होती हैं, अच्छा जी वो डब वहाँ पर इस्तेमाल, ठीक है। आप क्या कहना कीजिए, आप देखें कि सफे धूप पे पड़ी हुई तो गर्म नहीं होती, ठीक है जी, यानी मस्जिद में धूप में पड़ी हुई है तो आप जाके उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, वो इतनी गर्म नहीं होती। बनिस्बत उसके अगर फर्श पे या किसी और चीज पे आप नमाज पढ़े तो वो बहुत गर्म होता है, आप खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन साफ के ऊपर आप नंगे पांव से आराम से खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छा इंसुलेटर है। तो उसके पत्तों में हवा होती है, यानी ये एक डबल इंसुलेशन है इसकी, और ये बहुत इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होती है, और पत्ता इसका तकरीबन 8 फुट लंबा होता है, तो वो हम कवर करते हैं और तकरीबन 3 इंच ये डालते हैं, बाकी सिरकी टोटल जो छत की मोटाई है वो 4 इंच हो जाती है उसके ऊपर। इसमें दब है, सिरकी है, और पानी को रोकने के लिए क्या आप जिसमें उसमें हम एक बहुत मोटी पॉलिथीन डालते हैं, अच्छा पॉलिथीन डालते उसके हैं। बाद इसके ऊपर एक ग्रीन कपड़ा डालते हैं। ये ग्रीन कपड़ा क्यों डालते हैं आप? इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको पता है कि ग्रीन कपड़े में ये बिल्कुल नाज़रीन जी आप देखें जो ऊपर ग्रीन नजर आ रहा है, हाँ। इस कपड़े की बात कर रहे हैं, और ये कपड़ा उमून नर्सरियों में इस्तेमाल होता है, हाँ, नर्सरियों में भी इसीलिए होता है कि ये हीट को रोकता है, और दूसरी बात ये कि ये कम्पैक्ट रखता है कि कोई पत्ता आंधी भी आ जाए तो एक पत्ता भी बाहर ऊपर ना उठे, ठीक है, प्रेशर से जितनी मर्जी। फिर ये है कि ये शेड एरोडायनामिक है, यानी अगर आंधी आएगी तो उसके ऊपर से स्लिप हो जाती है, और अगर शेड बड़ा है तो हम दरमियान में दूसरा ओवरलेप करते हैं और दरमियान में 3 फुट का फासला रखते हैं कि सेंटर से भी हवा जो है वो ऊपर निकल जाए, तो इसलिए ये एरोडायनामिक शेड है, इन पे ना तो आंधी का। अच्छा एरोडायनामिक आपने बताया है, लेकिन जो सहराई इलाके हैं जहाँ दरियाई बेल्ट्स हैं जहाँ पर हवा और हवस हो जाती है और उसके बाद फिर आंधी और चक्कर चलते हैं, क्या उसमें तो कोई ऐसे इसको इसकी नहीं, उसमें कोई फाउंडेशन पर असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, वो इतनी मोटी फाउंडेशन है कि आप उसको जितना मर्जी आप ट्रैक्टर से भी जोर लगाएं तो शायद मुश्किल से ही वो हिले, ठीक है। तो इतना मजबूत स्ट्रक्चर, उसके 2 फुट नीचे कंक्रीट किया जाता है और उसके बैरे बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मजबूती में उसकी कोई कमी नहीं है, और हवा जो है उसके सेंटर से भी एग्जॉस्ट हो रही होती है क्योंकि गर्म हवा सेंटर से यानी वो निकलती है ऊपर, तो सेंटर से इसका एक नीचे है और एक ऊपर है तो सेंटर से एग्जॉस्ट हो जाता है जो गर्म हवा है। नाजरीन ये अभी आप सारा वो सीन देख रहे हैं, ये कैमरे के आपको दिखाया जा रहा है, ये सारी स्ट्रक्चर इसका नजर आ रहा है, और ये जिस तरह कर्व में बना हुआ है और जानवर नीचे बंधे हुए हैं और ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। इसमें एक चीज और बताइए कि मेरे फार्मर को, ये आपने सारा बनाकर इसके बनाने में आप जो पैसे आप वसूल करते हैं, चार्जेस जो सर्विस लेते हैं, वो सिर्फ स्ट्रक्चर के नीचे फर्श और खुरलियां वगैरह दूसरी चीजें बनाने के? देखिए अगर तो कोई छत बनवाना चाहे तो हम सिर्फ 200 रुपए पर स्क्वायर फुट चार्ज। अच्छा वो 200 रुपए, और अगर कोई कंप्लीट करवाना चाहे और हमने आप इसमें डेवलपमेंट कर ली है तो अब हम 320 रुपए चार्ज करते हैं स्क्वायर फुट का, जिसमें फर्श खुरली का पाइप खुरलियां पैसे और छत। ये कहीं आपका रेट आटे और चीनी की तरह तो बढ़ता नहीं जा रहा कि कोई, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पहले तो ऐसा नहीं, पहले हम ग्रीन कपड़ा नहीं लगाते थे, ठीक है, पहले जो उसकी मोटाई थी वो जरा कम थी, अब डेवलपमेंट थोड़ी सी हुई है इसमें तो वो किया है ऐड। अच्छा, और कुछ इसके नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रेट कारोबार आपका बढ़ता जा रहा और आप भी फार्मर से कहते नहीं है मैंने ज्यादा लेने हैं? नहीं, कोई तो सादा बनवाना चाहे तो अभी भी वही रेट है, ठीक है। नागरिक रेट पुराने हुए हैं लेकिन उसमें जो डेवलपमेंट इन्होंने की है उसके चार्जेस ज्यादा है। देखें कि सर्दियों में आप इस दफा सर्दी बहुत पड़ी है तो लोगों के शेड ओपन थे, ठीक है, तो जानवर मर गए, छोटे बच्चे तो सबके मर गए, बकरियां खास तौर पर, तो इसमें हमने एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर कोई इसको एयर लॉक करना चाहे, एयर टाइट करना चाहे, तो वो ऑप्शन है, वो उसमें हैंग कर जी वो अभी तस्वीर हमारे पास नहीं है क्योंकि अभी उन्होंने बनाया नहीं, जब बनेंगे वो दिखा देंगे। ये सर्दियों के रोकने के हवाले से कह दिया कि इसको एयर टाइट हो सकता है जी ना, अब नहीं, वो ऑप्शन है, ऑप्शन है लेकिन अभी बनाया नहीं है अभी, क्योंकि अभी मौसम आएगा, मौसम नहीं आया, तो अगले सीजन में ये सबको सबके पास होगा। फिर ये है कि इसका जो नीचे फर्श है वो भी हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि पानी खड़ा ना हो और ड्रेन हो जाए, और जो खुरलियां हैं वो भी उसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन से कि जैसे पाइप का और खुरली के दरमियान का जो दीवार है उसमें 19 इंच का
डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो हर चीज बकायदा सेट। अच्छा, आप मेरे नागरिक की जरा सहूलत के लिए ये भी बता दीजिए कि एक जानवर के लिए कितने सिगरेट का रकबा और कम से कम इकोनॉमिकली उसको कितने में फायदा, वो 50 जानवर का बनवाए या 100 जानवर का, अगर 50 का बनवाता है तो उसके लिए कितने स्क्वायर फुट रकबा उसको दरकार है। देखें, जो जानवर को खड़ा होने के लिए 24 स्क्वायर फुट चाहिए होता है, 24 स्क्वायर फुट, लेकिन आपको पैसेज और खुरली भी चाहिए, ठीक है, तो तकरीबन 40 स्क्वायर फुट उसको जगह अंदर शेड के चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी गाड़ी भी गुजर सके और सारा कुछ, तो 40 स्क्वायर फुट वो चाहिए। और अगर 50 जानवर का है तो 2000 स्क्वायर फुट का ये टोटल रकबा बनता है, जो आप यूं कह लें कि तकरीबन 8 मरले, 8 मरले है, 2000 स्क्वायर फुट में 8 मरले आता है। हाँ। और उसके साथ खुला उसका एरिया भी चाहिए, लेकिन कम से कम खुला एरिया, जितनी कवर्ड एरिया होता है उससे डबल खुला एरिया इसको चाहिए होता है। मतलब 50 जानवर के लिए कम से कम 4000 स्क्वायर फुट रकबा होना चाहिए, कम से कम। यानी कि नाजरीन, 4000 स्क्वायर फुट को आप सादा अल्फाज में ये कहिएगा, कम से कम 16 मरले या 17-18 मरले के राउंड वर्क हो तो फिर बताए, 8 मरले आपका कवर्ड है और 9-10 मरले जो है वो ओपन है और उसको में कट किया जाएगा। लेकिन एक चीज और मेरे नाजरीन को ये बताइए कि क्या ये जो आपने ओपन किया है, जब जानवर इसको, जानवर का काम है खारिज करना और उसको करना, तो क्या उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, उससे बिल्कुल कोई नुकसान। तीसरी बात यह है कि हम इसमें केमिकल के एक स्प्रे भी कर देते हैं, ठीक है, छत के अंदर, ठीक है, जो ताकि इसमें कोई चीचड़ वगैरह जो है वो ना जाए, ना जाए, वो दोनों एक कभी हम पाउडर उसमें फेंक देते हैं, यानी जैसे आप डीडीटी पाउडर, ये तो आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं जब लगाते हैं। हाँ। लेकिन जब जानवर बीच में जब बोलते हैं 2-3 साल बाद, क्या उस वक्त बाद भी करना चाहिए, बस वो एक दफा ही उस वक्त फिर जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो ये है कि चीचर जो है वो नीचे से ट्रेवल करते हैं, दीमक भी हाँ नीचे से जाती है, नीचे जाती है, तो इसके पाइप इतने फाइन है कि उनके ऊपर वो ट्रेवल कर ही नहीं सकते, ट्रेवल नहीं करते, वो ऊपर पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एहतियातन स्प्रे कर देते हैं या पाउडर फेंक देते हैं ना, कि कोई कीड़ा मकोड़ा मच्छर भी अंदर जाए तो मर जाए। नाजरीन, अभी आपने ये डॉक्टर मसूद साहब की सारी बातें सुनी, जो कहते थे कि जी लाइफ स्टॉक और मैंने 2-4 करोड़ रुपए मैंने स्ट्रक्चर पकड़ा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप को मसला हल हो चुका है, आपने ये स्क्रीन सारी चीजें देख रहे हैं, ये नजर आ रही है, इर्द गिर्द आपको कैमरा दिखा रहा है, अब वो मामला नहीं है। आपने कम से कम पैसे शेड पर लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे आपने जानवरों पर लगाने हैं, जहां से आपने कमाना है, वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट है, ये जो जानवरों पर है ये आपकी डेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिहाजा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने मजीद अगर इसमें नुदरत लानी है, अगर आपने इसमें मजीद नुदरत लानी है तो फिर आप डॉक्टर साहब से रबते में रहिएगा। आपने मजीद कोई मालूम लेनी है, कोई किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन लेनी है, कोई आपने रबता करना है, तो ये हमारा स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हम आपसे डॉक्टर साहब से रबता भी करवा देंगे और आप उनसे रबते में रहिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। इसके हवाले से हम आपको बहुत जल्द और भी नई वीडियोज़ देंगे, जब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक और डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर एक नए अंदाज से नए तरीकेकार से आपके साथ हाजिर हो गए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।